नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गिलोय के औषधीय गुण और इसके फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों और झाड़ियों में पाई जाती है। पुराने समय से ही गिलोय का एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, एपच और मूत्र संबंधी रोगों आदि में बहुत आराम दिलाती है। दोस्तों, बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। यह हमारे शरीर से विषैले हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालकर हमारे खून को साफ करती है। चलिए जानते हैं विभिन्न रोगों में इसका सेवन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज में इसका सेवन कैसे करें। डायबिटीज में इसके जूस का सेवन करना चाहिए। गिलोय का जूस हमारे शरीर में ब्लड शुगर के बढ़े हुए स्तर को कम करता है और इंसुलिन के स्त्राव को बढ़ाता है। इस तरह यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। डायबिटीज के लिए आप इसका दो प्रकार से सेवन कर सकते हैं। आप 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें और आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को आप पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लें। इसका अगला फायदा डेंगू के लिए। डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगता है और गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी से ठीक करते हैं और इसके साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1.5 घंटे पहले लेना चाहिए। इसके अलावा यह एपच, खांसी, बुखार, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका सेवन किया जाता है। और अगर आपको किसी भी तरह की त्वचा संबंधी कोई रोग है या एलर्जी की शिकायत है या आपकी त्वचा पर कील, मुहासे, चकते निकलते हो तो गिलोय इन सबको ठीक करने में मदद करती है। स्किन से संबंधित सभी समस्याओं में आराम पाने के लिए गिलोय के तने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर इस पेस्ट को लगाएं। और इसके अलावा यह लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। गिलोय का सेवन लीवर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। लीवर से संबंधित रोगों में 2 चुटकी गिलोय सत्तों को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गिलोय का सेवन करते वक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जो लोग लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको गिलोय का सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय ब्लड प्रेशर को कम करती है। और किसी भी तरह की सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। और प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गिलोय का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इसके फायदे के बारे में पता चल चुका है, इसलिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिलोय जूस या सत्तों का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें। धन्यवाद।